कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए, IIT किसने बनाई, MMIT किसने बनाई, जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो? क्या किया है 6 साल में? अरे आप यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? श्रीमती बिप्लव ठाकुर जी। माननीय उपाध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है बैठकर इंटरवेंट ना करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी एक अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है, यही सभी भाषण में है, कुछ नया नहीं है। वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। अरे आज यहां बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए, IIT किसने बनाई, MMIT किसने बनाई, जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो? क्या किया है 6 साल में? भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो, सुनो। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं। उपाध्यक्ष जी, देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती, क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुनके उसने सीता को वनवास भेज दिया और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते? तो देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए, ये आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब फॉलो आवर चैनल्स टू गेट द लेटेस्ट स्टोरीज एंड नोटिफिकेशंस।